प्यारे बच्चों, आज से हम तुमको जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने हेतु वीडियो उपलब्ध कराएंगे। इसमें हमारा चैप्टर है फर्स्ट नंबर्स, नंबर एंड नंबर सिस्टम, नंबर एंड नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे ये नंबर्स क्या होता है। नंबर्स क्या होता है? संख्याएं। जीरो, वन, टू, अप टू नाइन, ये हमारे सभी क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, जिनका हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। इन्हीं नंबरों की सहायता से हम संख्या बनाते हैं। अगर हमारे पास ये नंबर नहीं होते तो हमारा दैनिक जीवन बहुत ही अंधकारमय होता। अब करते हैं हम, यानी नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर एक आता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं। ये प्रारंभ संख्या होती है हमारी, ये होती है हमारी प्रारंभ संख्याएं, वन टू थ्री अप टू नाइन, इनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। नंबर सेकंड होता है नंबर टू, होल नंबर। नंबर टू होल नंबर्स क्या होती है? इसको हिंदी में पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है हमारी जीरो, वन, टू अप टू नाइन। जीरो से लेके नाइन तक संख्या जो अंक होते हमारे, ये होल नंबर में आते हैं। क्लियर हो गया? नंबर तीन पर आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं। क्या होती है? भाज्य संख्याएं। ये क्या होती है? वह संख्या जो एक व स्वयं को छोड़कर अन्य तीसरी संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए, वो संख्या कंपोजिट नंबर या भाग संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल,
चार छ बारह पचास कुछ भी ले लो आगे। अब ये संख्याएं हैं ऐसे वाली फोर है, हमने क्या लिखा वो संख्या जो एक व स्वयं को छोड़कर एक का भाग जाएगा इसमें वन से डिवाइड करेंगे इसको फोर टाइम होगा और फोर से डिवाइड करेंगे फोर को तो वन टाइम होगा। लेकिन वन और फोर को छोड़कर वन तो हो गया एक व स्वयं, स्वयं का मतलब हो गया हमारा चार ठीक है, छह के लिए स्वयं हो जाएगा छह, बारह के लिए स्वयं हो जाएगा बारह, पचास के लिए स्वयं हो जाएगा पचास। कहने का मतलब जो संख्या होती है स्वयं का मतलब होता है वही संख्या, क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम फोर हमारा टू से डिवाइड हो रहा है, टू टू या फोर हो गया ना, वो संख्या जो एक व स्वयं को छोड़कर अन्य तीसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तुम्हारा ये संख्या वन और फोर को छोड़ के टू से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये हुआ हमारा ये फोर जो है कंपोजिटिव नंबर है। इसी तरह से फिफ्टी है, फिफ्टी में वन और स्वयं को छोड़कर टू से डिवाइड हो जाएगा, फाइव से हो जाएगा, टेन से हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव से हो जाएगा। कहने का मतलब वन और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए तुम्हारी वो संख्या कंपोजिट नंबर होगी, क्लियर हो गया। नंबर फोर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये क्या होती है एक व स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से विभाजित न हो, वो संख्या जो एक व स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से विभाजित न हो, जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसके लिए थ्री है, जैसे फाइव है, सेवन है, इलेवन है, थर्टीन है, और भी संख्या आ रही, बहुत सारी संख्या है हमारी। वन से डिवाइड होगा थ्री, थ्री टेन, और थ्री से थ्री डिवाइड होगा वन टाइम, और कोई संख्या ऐसी नहीं है जिससे थ्री डिवाइड हो जाए, इसलिए थ्री हमारा अभाज्य संख्या हो गई। जैसे इलेवन है, इलेवन वन से डिवाइड होगा इलेवन टाइम, और इलेवन वन से डिवाइड होगा इलेवन टाइम, और इलेवन से डिवाइड होगा इलेवन वन टाइम, संख्या और कोई नहीं है हमारी जो इलेवन को डिवाइड कर दे। ऐसे ही थर्टीन है, आगे संख्या है बहुत सारी, जैसे थर्टी वन है, थर्टी वन वन से डिवाइड होगा थर्टी वन टाइम, और थर्टी वन से डिवाइड होगा थर्टी वन वन टाइम, संख्या और कोई नहीं है जो थर्टी वन को डिवाइड कर दे, इसीलिए थर्टी वन हो गया हमारा प्राइम नंबर, क्लियर हो गया। को प्राइम नंबर, कोबरा नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं।
अब एक स्वाभाव संख्या क्या होती है? संख्याओं का वह जोड़ा पेयर, संख्याओं का वह जोड़ा पेयर जिसका शेयर कॉमन फैक्टर एक होता है, कॉमन फैक्टर एक होता है, स्वाभाविक संख्याएं कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 and 13, 7 and 13, या हम ये कहते हैं कि इन दोनों का एचसीएफ क्या है, निकल के क्या एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ 1 आएगा। तो ये दोनों संख्या हमारी को प्राइम नंबर हो जाएगी। संख्या कोई एक को छोड़ के ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सके। सिर्फ 1 ही हमारा एक ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड कर पाएगा। 1 से 7 होगा 7 टाइम और 1 से 13 होगा 30 टाइम। इसीलिए ये दोनों संख्या हमारी को प्राइम नंबर होंगी। सेकंड एग्जांपल, जैसे 15 and 17, इनमें भी कोई भी हमारी संख्या ऐसी नहीं है 1 को छोड़ के जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। क्लियर हो गया? संख्याओं का वह जोड़ा पेयर जिसमें जिसका सेल्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है, स्वाभाविक संख्याएं कहलाती है, होती हैं। क्लियर हो गया? अब आता है नंबर 6, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? सम संख्या। ये सम संख्या क्या होती है? वो संख्या जिसमें 2 से इवन नंबर सम संख्या, वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। हम कैसे मालूम करेंगे कि इस संख्या में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? हम भाग करके डिवाइड करके तो देख ही लेंगे, लेकिन बिना डिवाइड किए हम कैसे मालूम करेंगे कि इस संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी? पहचान, संख्या का इकाई अंक यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट, संख्या का इकाई अंक मतलब इकाई अंक बोलते हैं यूनिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 and 8, संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से
कोई भी अंक हो तो वह संख्या दो से विभाजित होगी। क्लियर हो गया? जब दो से विभाजित होगी तो हमारी संख्या इवन नंबर होगी। क्लियर? अब आता है हमारा नंबर सात पर, ऑड नंबर। और नंबर क्या होता है? ये विषम संख्या। ये क्या होती है? वो संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो उसे और नंबर कहते हैं। पहचान कैसे करेंगे हम इसकी? यूनिट डिजिट हमारा 1, 3, 5, 7 and 9, इनमें से कोई भी डिजिट हो हमारा तो वो संख्या हमारी ऑड नंबर होगी। एग्जाम्पल, ये हमारी संख्या यूनिट डिजिट हमारा ये है 7। यूनिट डिजिट होता है, इकाई गुण होता है राइट हैंड की तरफ। राइट हैंड की तरफ पहला डिजिट ये हमारा, तो ये हमारा डिजिट हो गया इकाई अंक, यूनिट डिजिट। ये 7 है, 7 में से यहां है 7 हमारा ये, इसलिए ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी? ऑड नंबर। क्या हो जाएगी? ऑड नंबर। जैसे ये संख्या हमारी यूनिट डिजिट हमारा ये 6 है, सम संख्या में क्या था? ये यूनिट डिजिट हमारा 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी डिजिट हो, यहां 6 आ रहा है, 6 यहां है ये, इसका मतलब ये हमारा इवन नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? जैसे ये संख्या हमारी यूनिट डिजिट 0 है, 0 आ रहा है यहां, क्या हो जाएगा? ये इवन नंबर। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम बिना 2 से डिवाइड किए ये देख सकते हैं ये संख्या हमारी इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अब आता है प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती, ये पूर्ववर्ती क्या होता है? पूर्व संख्या होती है हमारी ठीक पहले आने वाली संख्या, ठीक पहले आने वाली संख्या। प्रेडिसेसर संख्या निकालने के लिए हम -1 करेंगे, जो संख्या हमारी उसमें से -1 करेंगे। कैसे? जैसे हमको ये निकालना है, फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ 100, लिखेंगे प्रेडिसेसर
ऑफ 100 इक्वल टू 100 माइनस 1 इक्वल टू 99, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक और ले लेते हैं एग्जांपल। रेडी से सर, ऑफ 9998 इक्वल टू 9998 में से माइनस 1 कर देंगे तो जाएगा 9997, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आता है सक्सेसर। ये क्या होता है? अनुवर्ती। इसको अनुवर्ती के स्थान पर हम उत्तरवर्ती बोल देते हैं। उत्तरवर्ती ये बोल देते हैं। ये क्या हुआ? ठीक आगे आने वाली संख्या, ठीक आगे आने वाली संख्या, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? हम प्लस 1 कर देंगे। जिस संख्या का भी हमें सक्सेसर पूछे, अनुवर्ती संख्या पूछे, उस संख्या में हम प्लस 1 कर देंगे। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल सक्सेसर ऑफ 999 इक्वल टू, इस संख्या में हम प्लस 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा? 0, 0 और 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा। इस तरह से किसी भी संख्या का हमें सक्सेसर पूछे उसे प्लस 1 करना है, प्रेडिसेसर पूछे तो माइनस 1 करना है। क्लियर हो गया? अब आगे, अब आता है हमारा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या बोलते हैं हिंदी में? स्थानीय मान। स्थानीय मान जैसे संख्या लिखी हमारी ये 99 जो हो रहा है ये 7, इसका भी निकालना प्लेस वैल्यू। लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट इक्वल टू, जो अंडरलाइन डिजिट है हमारा, जिसके नीचे अंडरलाइन हो रही है वो लिख लेंगे। इस डिजिट से राइट हैंड की तरफ कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, तो इसके राइट हैंड की तरफ 3 0 आ जाएंगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये सेकंड एग्जांपल, इसी में माना इसका पूछे 5 का, क्या हो जाएगा? लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इक्वल टू 5 लिख लिया हमने, जिसका भी प्लेस वैल्यू पूछेगा पहले हम उसी डिजिट को लिखेंगे। 7 का पूछ रहा है 7 लिख लिया, 5 का पूछ रहा है 5 का लिख लिया, अगर 8 का पूछेगा तो यहां 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे उस अंक से सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड की तरफ कितने अंक हैं, और ये 5 है, ये 5 है, यहां इससे राइट हैंड कितने हैं? 1 डिजिट है 3, एक अंक है बस, हम यहां 1 0 लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आता है हमारा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अंकित मान। ये क्या होता है? किसी भी संख्या में किसी भी अंक का फेस वैल्यू पूछे उसका आंसर वही होता है।
उसके राइट हैंड की तरफ हमें कोई भी जीरो नहीं लगानी पड़ती। क्लियर हो गया? जैसे एग्जाम्पल वाराणसी को ले लें, लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ माना फोर लिख दिया हमने, तो ये यहां फोर ही आएगा। इसके बाद में हमें कोई जीरो नहीं लगानी, जीरो लगती है सिर्फ प्लेस वैल्यू स्थानीय मान में। जैसे फेस वैल्यू और मान एट है हमारा इक्वल टू एट, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसमें हमें कोई जीरो नहीं लगानी होती, जीरो लगाते हम प्लेस वैल्यू में। मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, मैं तुमको वीडियो कैसे देखते हैं देखने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले वीडियो को एक बार ध्यान से सुन लो, हमें कोई पेन पेंसिल नहीं चलानी, सिर्फ वीडियो को ध्यान से सुनना है। सेकंड टाइम में बुक हमारे सामने होगी, क्वेश्चन को करेंगे, जो भी क्वेश्चन नहीं आता है हम वीडियो को ऑन करके देख लेंगे। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट होता है, तो मैं अपना तुम्हें कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूं, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। शाम को 6 बजे के बाद मुझे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, चाहे वीडियो के माध्यम से या कॉल करके मैसेज करके। मैं पूरी कोशिश होगी मेरी कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम जल्दी जल्दी खत्म हो। एक काम और करना है तुमको, जिस दिन तुमको कोई वीडियो मिले इस नवोदय के लिए, उसका काम उसी टाइम उसी दिन पूरा करना है। ये नहीं कि हम आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, उससे काम हमारा सही नहीं हो पाएगा। कोशिश करूंगा मैं, और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि तुम काम को सही तरीके से और सही टाइम पर पूरा करोगे। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।